पंजाब की राजनीति को भाजपा कितना समझती है? मुझे लगता है कि इसका जवाब होगा कि उसे बहुत कमज़ोर समझ है। मोदी शाह निश्चित तौर पर ना पंजाब को समझते हैं, ना पंजाबियों को, ना उसकी राजनीति को, और ख़ास तौर पर सिखों की नहीं समझते हैं। वरना पंजाब के किसानों के विरोध प्रदर्शनों के मामले में उन्होंने इस तरह गड्ढा ना खोदा होता। उत्तर भारत में पंजाब इस मायने में अलग है कि उसने मोदी के जादू से खुद को अछूता रखा है। 2014 और 2019 के आम चुनाव में कुछ जगहों पर तो उन्होंने भाजपा की जगह आपको वोट दिया, बावजूद इसके कि मुख्यतः सिखों का राजनीतिक दल शिरोमणि अकाली दल भाजपा का सहयोगी था। उत्तर भारत में पंजाब ही ऐसा राज्य था जहां दोनों चुनाव में कथित मोदी लहर बेअसर साबित हुई थी। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में भी मोदी का पंजाब में कोई असर नहीं पड़ा। इतनी नाकामी के बाद भी मोदी व शाह को अगर पुनर्विचार की ज़रूरत नहीं महसूस हुई तो किसानों के आंदोलन के मामले में अफरा तफरी शायद उन्हें यह महसूस कराए। भाजपा अपने आलोचकों को जड़ों से दूर अंग्रेजी भाषी बताकर खारिज करती है और अपनी भदेश लफाजियों पर इतराती है। इसलिए उसे इस क्षेत्र की पुरानी कहावत से कुछ सीख लेनी चाहिए कि किसी जाट किसान से आप उसके खेत में लगा एक भी गन्ना छीन नहीं सकते, लेकिन उसे खुश करके आप उससे गुड़ की ईंट जरूर भेंट में हासिल कर सकते हैं। बस आपको नरमी और दोस्ताना भाव से शुरुआत की ज़रूरत है। लेकिन कृषि कानूनों के मामले में भाजपा ने ठीक इसका उल्टा किया है। मोदी शाह की भाजपा की बुनियादी राजनीति, मोदी की लोकप्रियता, हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण, भ्रष्टाचार मुक्त छवि और राष्ट्रवाद पर चलती है। लेकिन पंजाब में यह क्यों नाकाम हो गई? कृषि कानूनों को लेकर दूसरे कृषि प्रधान राज्यों में शायद ही कोई हलचल है। बड़ी खेतीहर आबादी वाला महाराष्ट्र शांत है तो पंजाब क्यों नाराज है? क्योंकि यह राज्य और सिख कुछ अलग हैं। पंजाब में पारंपरिक हिंदू मुस्लिम वाला तत्व गायब है। पंजाब में जो थोड़े से मुसलमान मलेरकोटला में रहते हैं उन्हें सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह के समय से सिखों का सद्भाव और सुरक्षा मिलती रही, क्योंकि यहाँ के नवाब ने औरंगजेब से गुरु के बेटों की रक्षा की थी। पारंपरिक रूप से पहले आरएसएस और फिर भाजपा सिखों को अलग वेशभूषा वाले हिंदू ही मानती रही है। फिर भी सिख हिंदू नहीं हैं, वे हिंदुत्व के मुरीद नहीं हैं। अगर होते तो तीन बार अपने उत्कर्ष पर पहुँचे मोदी को उन्होंने खारिज नहीं किया होता। यह हमने तब देखा जब भिंडरांवाले अपने उत्कर्ष पर था, तब आरएसएस यह विश्वास नहीं कर पाया होगा